दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाइब्ड फिल्म इवापोरेटर। आप लोगों को यूट्यूब पर ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं प्रोवाइड कराने वाला हूं। इसका यूज़ कहां करते हैं, इसको किस मटेरियल के लिए यूज करते हैं, इसके एडवांटेज क्या रहते हैं, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या रहता है, डिसएडवांटेज क्या रहते हैं, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। और इसका यूज हम जो भी है वाइब्ड फिल्म इवापोरेटर का यूज किस मटेरियल के लिए करते हैं, तो हीट सेंसिटिव मटेरियल रहते हैं, विस्कस मटेरियल रहते हैं, उनके लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। उनके लिए इसका वाइब्ड फिल्म इवापोरेटर का यूज करते हैं। आप लोग कहोगे हीट सेंसिटिव मटेरियल और विस्कस मटेरियल तो हम रिएक्टर में भी प्रोसेस करा के कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। उसमें क्या रहती है, कॉस्ट का इफेक्ट पड़ जाता है, उसमें पावर कंजप्शन ज़्यादा रहेगी, कॉस्ट ज़्यादा रहेगी, मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी उसकी, जो कि आप लोगों के मेंटेनेंस बार बार करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसमें वो प्रॉब्लम देखने को मिलती है, लेकिन ये एक क्या है, सस्ता और आप लोगों का टिकाऊ, और इसमें मेंटेनेंस आती है, लेकिन लॉन्ग टाइम में मेंटेनेंस आती है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, पावर कंजप्शन भी सब कुछ बेनिफिट हैं, ठीक है। इसके एडवांटेज बहुत ज़्यादा हैं, लो टेम्परेचर पर इसमें हीट ट्रांसफ़र ज़्यादा मिलता है, ठीक है। ऐसे आप लोगों को सब कुछ क्राइटेरिया कवर करने वाले हैं, ठीक है। और इसमें आप लोगों के क्या है, 1 से 95% तक हम कंसंट्रेशन इंक्रीज कर सकते हैं वाइब्ड फिल्म इवापोरेटर के द्वारा, ठीक है। और इसमें जो भी रहता है, इसमें ऑपरेशन जो भी है प्रोडक्ट की यील्ड्स को इंक्रीज कर इम्प्रूव करते हैं, यील्ड्स रहती है वो इम्प्रूव करते हैं। और इसके इंटरनल में एक कंडेंसर लगा रहता है, कंडेंसर क्या रहता है, वो वेपर्स को कंडेंस करके नीचे निकाल देता है, ठीक है, जिसके वेपर्स बनते हैं। और टेम्परेचर जो भी इसमें यूटिलिटी दो ही रहती है, दो प्रकार की यूटिलिटी रहती है, एक जैकेट में यूटिलिटी दी जाती है और एक बॉटम में, इसके में जहाँ प्रोडक्ट जो कि लिक्विड प्रोडक्ट रहता है वो बॉटम में जाता है, तो वहाँ पर उसको ठंडा करने के लिए वहाँ पर यूटिलिटी अलग दी जाती है, ठीक है। इसमें पार्ट्स क्या क्या रहते हैं, जो कि एक तो आप लोगों का इवापोरेटर हो गया, फिर उसको सेपरेटर लगा रहेगा, फिर कंडेंसर लगा रहेगा, और इसके अंदर एक इंटरनल कंडेंसर रहता है, ठीक है। और आप लोगों को क्या है, इसमें वैक्यूम सिस्टम भी दिया रहता है, जो कि इसमें वैक्यूम सिस्टम जो कि वेपर्स को लिक्विड जो भी टॉप से देंगे फीड, तो वो जल्दी से निकल बाहर नीचे आ जाए, मतलब वैक्यूम के द्वारा सेटल हो जाए जल्दी, ठीक है। तो और वैसे भी आप लोगों को मैं वीडियो स्क्रीन पर चल रहा है, ये आप लोगों को वीडियो, आप लोग वीडियो को भी इसको भी देखोगे स्क्रीन पर ये चल रहा है, उसमें भी आप लोगों के सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे क्या क्या पार्ट्स रहते हैं, ठीक है। इसमें एक वाइपर्स लगी रहती है, जो कि इसकी एक बेनिफिट ये भी है कि ये स्वयं से क्लीनिंग कर लेता है, जो कि वाइपर्स लगी रहती है वो स्वयं से इसके अंदर की जो कि है विस्कस मटेरियल चिपक जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो उसको क्लीनिंग करता रहता है, ठीक है, जो वाइपर्स लगी रहती हैं इसकी, ठीक है। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल हम देखते हैं, जैसा कि इसमें हम बताते हैं, इसमें क्या है, टॉप से फीडिंग दी जाती है, ठीक है, टॉप से फीडिंग दी जाती है, टॉप से फीडिंग देते हैं, तो आप लोगों को फिगर में दिखाता हूं मैं, देखो इसमें ड्राइविंग मोटर से रहती है जो कि टॉप से फीडिंग देते हैं आप लोगों को, यहां पर जो कि फीडिंग इनलेट यहां पर देखने को मिल रही होगी, ठीक है। और आप लोगों को यहां पर इंटरनल कंडेंसर आप लोगों को यहां पर ये देखने को मिल रहा होगा, जिसमें आप लोगों के क्या है, जो भी लिक्विड रहता है एक इनलेट करता है, और स्टीम देते हैं इसमें, जो भी यूटिलिटी रहती है स्टीम भी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, जैकेट के थ्रू स्टीम प्रोवाइड कराते हैं आप लोग के, उसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही स्टीम कूलिंग जो भी रहता है यूटिलिटी देते हैं, ठीक है। इसमें जैकेट आप लोगों की लगी रहती है, वेफल्स जो कि ब्लेड से लगी रहती है वो स्वयं की क्लीनिंग करने के लिए, ये आप लोगों को ब्लैक कलर की ये दिखाई देने को मिल रही होगी और वीडियो में आप लोगों को देखने को मिल गई होगी, ठीक है। और इसमें जो कि है हैवी, जो कि आप लोगों का हैवियर जो कि है आउटलेट, जो कि हैवी से जो लिक्विड जो भी वेपर रहती हैं वेपर से रहती हैं वो इधर से निकल जाती हैं, ठीक है। और इसका जो कि बॉटम का पार्ट जो भी रहता है डिस्टिलेट आउटलेट, इसमें यहाँ पर ये बॉटम कलेक्ट हो जाता है, यहाँ पर एक यूटिलिटी कूलिंग वाटर देते हैं या चिल्ड वाटर रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पर इस बॉटम में देते हैं, ठीक है, ये वो अलग रहती है उसको प्रोडक्ट को ठंडा करने के लिए। और यहाँ से क्या होता है, वैक्यूम सिस्टम, क्योंकि वैक्यूम सिस्टम लगा रहता है आउटलेट वाला, तो उसमें क्या रहता है, यहाँ पर वेपर्स आउटलेट रहती हैं तो वो कंडेंसर में जाती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें पार्ट्स रहता है अंदर की, जो कि है वर्किंग करते हैं, टॉप से इसमें फीडिंग यहाँ से प्रोवाइड कराते हैं, और ये मोटर से लगी रहती है अंदर, ठीक है, ये ऊपर टॉप है। और उसके बाद इसका थोड़ा आगे एडवांटेज देख लेते हैं और डिसएडवांटेज, यहाँ पर आप लोगों को दोनों एडवांटेज के साथ फीचर भी इसके बाद कर लेते हैं, फीचर कैसे कैसे वर्किंग करता है वो भी यहाँ पर डिस्कशन कर लेंगे एक बार फिर से, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को एडवांटेज की बात करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिएगा, इवापोरेटर जो कि है लो ऑपरेटिंग टेम्परेचर रहता है, इसमें लो ऑपरेटिंग टेम्परेचर रहता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट इसमें है जो कि शॉर्ट रेजिस्टेंस टाइम रहता है, जो कि इसमें बहुत शॉर्ट टाइम में ही क्या है डिस्टिलेशन मतलब चलता रहता है, ठीक है। और इसमें जो कि हाई हीट ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, ये एडवांटेज से आप लोगों को सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, हाई हीट ट्रांसफ़र होता है,
ठीक है, ये बेनिफिट्स हो गए। कॉपी से लो प्रेशर ड्रॉप मिलता है इसमें, जो कि वेपर साइड में बात कर रहे हैं, वेपर साइड में जो भी रहता है लो प्रेशर ड्रॉप मिलता है, ठीक है। और इसमें आप लोगों को मेन मेन पॉइंट बात करते हैं, और जो कि मैंने बताया था आप लोगों को, जो कि स्वयं की ये क्लीन करता है, वाइपिंग ऑफ हीट ट्रांसफर सरफेस सुटेबल फॉर, ठीक है, सरफेस ट्रांसफर हीट ट्रांसफर सरफेस की, जो कि यहाँ पर जो स्वयं से क्लीनिंग भी कर लेता है, सेल्फ क्लीनिंग करता है ये, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का यहाँ पर, ये जो भी विस्कस सुटेबल फॉर विस्कस लिक्विड, मतलब विस्कस लिक्विड रहता है उसके लिए ये सुटेबल रहता है, उसके लिए ही इसका यूज करते हैं मेनली, ठीक है। सुटेबल जो कोई हीट सेंसिटिव हीट एंड विस्कस मटेरियल के ही इसका यूज करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये एक ऑपरेशन, किसमें ऑपरेशन में आता है, ये कंटिन्यूस ऑपरेशन में आता है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस रहता है, इसमें लगातार फीडिंग चलती रहती है, लगातार आउटलेट और इनलेट लगातार होता रहता है, ठीक है। इनलेट भी आउटलेट निकलता रहता है और आउटलेट भी कंटिन्यू चलता रहता है, ठीक है। इसमें लो मेंटेनेंस रहती है, ठीक है। अब इसका थोड़ा फीचर की बात कर लेते हैं, फीचर्स आप लोगों के, लो रोटेटिंग स्पीड रहती है, नो बॉटम वेयरिंग रहता है इसमें, बॉटम में कोई वेयरिंग नहीं, और लो रोटेटिंग पार्ट्स रहता है, मतलब लो पर रोटेट करता है। हायर पावर टू टेक केयर टू ऑफ फीड, मतलब हायर पावर टू टेक केयर ऑफ फीड, मतलब हायर पावर पर यह इसकी क्या है, देखभाल करनी पड़ती है हाई पावर पर, ठीक है, कहीं कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वर्किंग करता है, और तो इसके जो फीचर्स दिए गए हैं, ठीक है, तो इसके जो भी थे एडवांटेज जो भी है मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, जो कि बेनिफिट्स के और यूज कहाँ करते हैं और क्यों यूज करते हैं ये भी आप लोगों को मैंने डिस्कशन कर दिया है। और वैसे भी आप लोगों को यहाँ पर स्क्रीन पर साथ ही साथ में आप लोगों को वीडियो भी चलता दिखाई दे रहा होगा, उससे भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो उसको वीडियो को बार बार आप लोगों को देखते रहोगे तो आप लोग क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये एक पूरा आप लोगों को यहाँ पार्ट्स देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट सेटल होता है, यहाँ से वेपर्स निकलती हैं, वो दूसरे कंडेंसर में जाती हैं, वहाँ पर कंडेंस होकर के उसको जो भी है बाहर मतलब निकाल दिया जाता है, एटमोसफेयर में न्यूट्रल करके छोड़ दिया जाता है, या हैजार्डस गैस निकलती हैं, तो ठीक है। और ये अब पूरा पार्ट्स है जिसमें जैकेट यूटिलिटी जो भी यूटिलिटी जैकेट रहती है, ठीक है, और अंदर का पार्ट, अंदर कंडेंसर रहता है, वेपर वाइपर्स रहती हैं, ठीक है। तो इतना ही छोटा सिंपल सा इसका वर्किंग प्रिंसिपल था, और जो कि है बड़ा ही एक छोटा इक्विपमेंट है, लेकिन इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं इसके द्वारा, ठीक है। यहाँ पर हमारा बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट बचा है, अगर यही प्रोसेस हम रिएक्टर में कराएंगे तो क्या होगा, उसमें कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ेगी। एनचे टाइप का आप लोगों ने सुना ही होगा, तो एनचे टाइप के में हम विस्कस मटेरियल के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें पावर कंजम्पशन ज़्यादा चाहिए, मेंटेनेंस ज़्यादा चाहिए, बहुत कुछ आप लोग को उसमें उसमें क्या है कॉस्ट मिल ज़्यादा खर्च करने को मिलता है, मतलब कॉस्ट ज़्यादा लगती है उसमें, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं पर एंड करते हैं, आप लोगों को आशा करते हैं आप लोगों को ये वाइपर फीड वाइपरेटर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स एंड क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो, डाल सकते हो, उसका आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम ने ज्वाइन नहीं किया है, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, ये पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ टेलीग्राम पर आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके, थैंक्स वॉचिंग फुल वीडियो।